दोस्तों यह है Realme 7 और ये लॉन्च होने वाला है 3 सितंबर। लॉन्च होने से पहले अनबॉक्सिंग देखने का मजा ही कुछ अलग है। तो अनबॉक्सिंग करने के साथ साथ इसका बॉक्स कंटेंट, इस फोन का बिल्ड क्वालिटी, इसका चार्जिंग, इसका गेमिंग और इसका कैमरा सैंपल्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ये फ्री है। बॉक्स खोलने के बाद बॉक्स के ऊपर पोर्शन में ये जो बैक कवर मिलता है ये सिलिकॉन केस है और देखिए इसमें पेपर्स वगैरह भी है और इसमें सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिलता है। बॉक्स को ऊपर पोर्शन का हटाने के बाद देखिए ये फ़ोन मिलता है। फ़ोन का नीचे पोर्शन में भी एक चेंबर है जिसमें आपको ये डेटा केबल देखने को मिलेगा जो USB A to C है और ये केबल का क्वालिटी मुझे लगता है पहले से ज़्यादा अच्छा है और इसमें जो सी ड्राइव पोर्ट दिया गया है ये भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो ये है ये चार्जर, ये 30 वाट का डार्ट चार्जिंग है। इसमें आप जो फ़ोन है इस फ़ोन को 1 आवर 40 मिनट में 5000 mAh बैटरी को चार्ज अप कर पाएंगे। तो चलिए इस फ़ोन को रेफर हटाते हैं और इस फ़ोन में जो लुक है पहले वाला जो लुक था इससे बेहतर हो गया है और मुझे लगता है देखिए जो सैमसंग का जो लुक है इस लुक से मिलता जुलता है और इसमें जो ये बॉर्डर देखने को मिलता है ये भी बहुत ही अलग तरह सा ये बना देता है। और इसका रैपर हटा देते हैं, देखिए ये पॉलीकार्बोनेट का बॉडी है लेकिन ये चमकदार ये लग रहा है जो ये ग्लास फिनिशिंग दिया हुआ है लेकिन असल में ये पॉलीकार्बोनेट का ही है। और इसका जो फ्रंट पोर्शन में 16 MP का जो कैमरा दिया हुआ है और इसका जो स्क्रीन साइज़ है 6.5 इंच का, एक सुपर एमोलेड नहीं है दोस्तों, ये TFT स्क्रीन है। चलिए फ़ोन को बूट करते हैं और देखिए इधर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट दिया हुआ है तो आपको पता ही है जो ये जो TFT डिस्प्ले है इसी के वजह से ये डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बदले ये इधर दिया हुआ है। फ़ोन बूट होते होते कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। ये जो फ़ोन है ये एंड्रॉयड 10 पे चलता है और ये दोनों वेरिएंट में आ जाते हैं, 6GB 64GB और 8GB 128GB। और देखिए इसका जो साइड ट्रे है इसमें आपको 2 SIM, 1 microSD कार्ड लगाने को ऑप्शन इधर दिया हुआ है। आप 2 SIM के साथ साथ एक microSD कार्ड लगा सकते हैं जिसका आप 1 TB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और आपको मालूम ही होगा जो 400 GB का जो चिप है ये 6000 के आसपास देखने को मिलता है। और इधर जो नीचे पोर्शन है इसमें microUSB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल और इसी के साथ 3mm ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और इसका जो बॉडी है इसके पॉलीकार्बोनेट होने के साथ साथ इसका फ्रेम है ये भी पॉलीकार्बोनेट का ही देखने को मिलता है। और देखिए इधर 90 हर्ट्ज का स्क्रीन दिया हुआ है और जो अभी ट्रेंडिंग है तो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले में आपको कोई भी गेमिंग और कोई भी एप्लीकेशन चाहे जल्दी से खुल जाते हैं। और चलिए इसका फिंगरप्रिंट सेटअप कर लेते हैं और इसका फिंगरप्रिंट आप देख सकते हैं बहुत ही फास्ट है और मुझे लगता है पिछले जितनी सारी फ़ोन इधर रियलमी के तरफ से लॉन्च किया गया है उससे तो बेहतर ज़रूर लगता है। फिलहाल मेरे हाथ में जो है ये 8GB 128GB का वर्सन है और इसका जो कॉस्ट है 15,999 और इसका जो बेस वेरिएंट है 13,999 में देखने को मिलता है। और इस फ़ोन का कैमरा को बात किया जाए तो इसमें 4 कैमरा दे रखी है और इसमें 64 MP का सोनी IMX जो प्राइमरी कैमरा है 1.8 एपर्चर के साथ है और दूसरा है 8 MP का वाइड एंगल लेंस जो 119 डिग्री एंगल तक ये 2.3 अपर्चर में ये क्लिक कर लेता है और 2 MP का मोनोक्रोम सेंसर और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और देखिए कैमरा सैंपल्स आपके सामने में है, ये इसका जो डायनेमिक रेंज है मुझे जितना लगता है पिछले वाला जो रियलमी 6 है रियलमी 6 प्रो है उसमें से बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और आपका क्या लग रहा है ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। फिलहाल इस फ़ोन का जो कैमरा है इसका फुल रिव्यू देखने के लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। और देखिए फ्रंट कैमरा में सिंगल कैमरा होने के बावजूद भी इसका जो ब्लरिंग है इसका जो एज डिटेक्शन है बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और बात किया जाए इस फ़ोन का गेमिंग की तो इस फ़ोन में इस्तेमाल किया गया है Helio G95 का प्रोसेसर जिसके साथ आप PUBG एक्सट्रीम ग्राफिक्स में आप खेल पाएंगे और इसका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही धासु है और इसका जो अंतुतु स्कोर देखने को मिला है 3,05,000 के आसपास और इसका जो 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है ये कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस दे देता है।